उनके बीच होगा। ये जो मैच चल रहा है ये मकवाली वर्सेस सागर मोखरा के बीच में रेल पर भाई सागर इस समय भाई 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 मोखरा टीम की तरफ से मंगत सिंह मंगी और भाई मकरली की तरफ से राहुल राहुल इस समय रेड करता हुआ और भाई बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ सात नंबर जर्सी का खिलाड़ी में राहुल बजारी इस समय रेड पर गांव मकवाली जिला रोहतक का खिलाड़ी और पॉइंट लेने में कामयाब रहा। थर्ड रेड बॉल बैल मोखरा की तरफ से स्कोर बताना जी 12 का स्कोर हो चुका है दर्शक साथियों। मकवाली की टीम का स्कोर 12, मोखरा की टीम का स्कोर 2। अगला जो मैच है वो सियासत पानीपत वर्सेस रोहतक है। दोनों टीमें तैयार हो जाए सियासत पानीपत वर्सेस रोहतक बहुत अच्छा मुकाबला होगा। फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट का एक और सबसे बेहतरीन मुकाबला बाबा प्रेम दास अकेडमी वर्सेस रोहतक पानीपत वो दोनों टीमें भी तैयार हो जाए फिर क्वार्टर के मुकाबले शुरू कर दिए जाएंगे। और रेड पर भाई सागर बिल्कुल टच का दावा कर दिया है हरिंदर ने बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठा दिया भाई भारतीय थल सेना में जाया गया था हरिंदर गांव मकरौली जिला रोहतक अगली जो दोनों टीमें हैं मैदान के नजदीक आ जाए सभी ध्यान में बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट चल रहे हैं एक बार जोरदार बाबा का जयकारा लगाओ बजी महाराज की जयकारा भाई थोड़ा जोर से लगाओ बजी महाराज की
सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, आप हमारी सुन रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और फिर लड़ते हुए सागर गांव मोखरा जिले में रहते हुए दर्शक साथियों, मोखरा मदीना बहुत बड़े खेल गांव है, ओलंपिक का पहलवान उन गाँव से निकले, चाहे साक्षी मलिक की बात हो, बहुत से कुश्ती के पहलवान वहां से निकले हैं। ओलंपिक में जो साक्षी मलिक ने भारत का प्रतिनिधित्व, वो भी गाँव मोखरा मदीना जिला रोहतक से। और अगर मकरौली टीम की बात की जाए तो आप सब जानकार हैं, कबड्डी में पिछले कई वर्षों तक और आज तक मकरौली का बड़ा नाम चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिंदुस्तान को दिए हैं मकरौली जी। फिर रेडर पांच के डिफेंस में 36 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई सागर गांव मोखरा जिला रोहतक, सामने मकरौली के पांच खिलाड़ी प्यार पर प्यार। और लीजिए दर्शक साथियों, बिल्कुल कैच रह चुकी है, पॉइंट मकरौली को खाते हैं। अगली जो टीमें हैं रोहतक की शिला कलेक्टर की टीम और सियासा पानीपत की टीम, दोनों टीमें तैयार होकर मैदान के नजदीक आ जाए। उससे अगला मैच बाबा प्रेमदास अकेडमी रेढ़ाना जिला सोनीपत और नॉर्थ स्कूल जिला पानीपत, सोनीपत और पानीपत के बीच में मैच होगा भाई। बिल्कुल ये भाई आप सब जानते हैं कि बिल्कुल क्रांतिकारी भर्ती है ऋषिपुर की, 1857 में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उत्तर शुरू हुआ था, मंगल पांडे ने मेरठ से वो चिंगारी सुलगाई थी और बिल्कुल उसके साथ ही नसीपुर में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर बहादुरों ने जंग लड़ी थी, इसी वजह से नसीपुर की लड़ाई का भी बिल्कुल ऐतिहासिक धरती है। और बाबा जयंतु महाराज के इस मेले में आप देखते हैं कि पूरे भारत के कोने कोने से सभी श्रद्धालु आकर बाबा के मठा देखकर, और बिल्कुल पवित्र धाम है, इस क्षेत्र की पूरी आस्था का केंद्र है। और टीमें भी बहुत ही लगाव रखती है, जिस प्रकार हमारी कमेटी ने बिल खोल रखा है कि हारने वाली टीम को भी 300 रुपए दिए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी दूर दूर से आकर उन टूर्नामेंटों की सुबह बनाते हैं। फिर रोड पर पांच के डिफेंस में वो सागर मोखरा, सागर मोखरा इसमें रेड पर। और इस मैच का जो ऑफिसर खिला रहे हैं विक्रमी पिशाब गांव में सिपुर, और दूसरी साइड सज्जन कोट साहब गांव बढ़ रही जो कि वुमेन कबड्डी लीग जो दुबई में हुई थी उसमें भी ऑफिसर के रहते थे साथियों। दुबई में जो टूर्नामेंट हुआ था बेटियों का उसमें भी ऑफिसर थे और विक्रमी पिशाब के एफ आई के बिल्कुल स्टेट और नेशनल जैसे बड़े गेमों में ऑफिसर रह चुके हैं। और हमारे अशोक डी पिशाब जो बिल्कुल पूरा मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं और बीच बीच में मैच भी खिला रहे हैं आपके अपने ही क्षेत्र के, बिल्कुल आलमान शाह ने बड़े भाई बहुत ही अच्छे स्वभाव के अच्छे ऑफिशियल हैं। और सोनू सोनू भाई का भी धन्यवाद करते हैं भाई, सावले भाई की तो बात ही अलग है क्योंकि तो हर बार बाबा जा बिल्कुल वफादार सैनिक की तरह कार्य करता है, ताली बजाने पर शक्ति दिए चौथा। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप बिल्कुल दर्शक जो है वो भगवान होते हुए तो सच्चा आपको कैच लगा दिया। बिल्कुल दबंग दिल्ली के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है, टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप कबड्डी देखते हो उसके भी काफी खिलाड़ी हमारे बीच में है। और ये लीजिए भाई, दो पॉइंटर जीत कर लिए है मकरौली की टीम ने। धीरे धीरे मकरौली की टीम इस मैच पर कब्जा कर चुकी है। महेंद्र सिंह साक्षी अगली जो टीमें हैं वो तुरंत मैदान के नजदीक आ जाए। शिला कलेक्टर रोहतक वर्सेस सियासत पानीपत, बहुत अच्छा मुकाबला होगा, सियासत पानीपत वर्सेस शिला कलेक्टर रोहतक। और फिर प्री क्वार्टर का आखिरी मैच नौरथा स्कूल वर्सेस बाबा प्रेमदास अकेडमी रेढ़ाना, इस टूर्नामेंट में 7 मैच बचेंगे यानी कि इस मैच को हटाकर 9 मैच बाकी है। और आप सबका धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार भारी संख्या में आप इस कबड्डी खेल को प्रयोग करते हैं, ये हिंदुस्तान का बड़ा प्राचीन खेल है। स्कोर बताएंगे डीपी साहब? 18-7। इस खेल के नियम में सुधार किया गया, नाम रख दिया गया कबड्डी, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, इसे स्कूली कबड्डी भी कहा जाता है। और वैसे प्रो कबड्डी आई तो इसको अलग पहचान मिली प्रो कबड्डी की।
और आज ये बहुत लोकप्रिय खेल है, दूसरे नंबर का सबसे लोकप्रिय खेल है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा ये खेल खेला जाता है। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा खेला जाता है, और ऐसे ऐसे गांव हैं सोनीपत जिले में जहां से 25-25 खिलाड़ी पूरे कबड्डी में खेलते हैं, कि गांव से पिता और पुत्र भी खेलते हैं एक साथ। सर जी मैच लगभग 9 में है, दोनों टीमों को आप कॉल करते हैं। सियासत पानीपत वर्सेस सीना कनेक्टर रोहतक, सियासत 2 मिनट का समय, दोनों टीमों को केवल 2 मिनट का समय। सियासत पानीपत आज उर्फ अच्छू कौशिक गांव बापड़ है जिला भिवानी बिहार में अपनी टीम लेकर आज, और भाई सीना कनेक्टर रोहतक, और भाई ये मैच बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैच मकबली अपने अगले राउंड पे बिल्कुल दरवाजा खटखटा चुकी है। बड़ी अच्छी टीम है, हाल ही में मालडा में जो टूर्नामेंट हुई थी उसके प्रथम स्थान की टीम है भाई दर्शक साथियों मकबली जिला रोहतक। आपके बीच में भाई एक बार जोरदार जयकारा लगाकर ये संकेत दे खेल कमेटी को, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका। और ये लीजिए साथियों है चैंपियन का बिल्कुल आप भी ध्यान दे, जब भी बोल पकड़ के खेले कृपया छोड़ दे क्योंकि इससे करंट छोड़ जाएगा, तो ऐसा ना हो कोई तार कट हो। और मैच समाप्त हो चुका है, मकरोनी की टीम अपने अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है। अब जो